भाई बेंटन यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो किसी को भी डिफीट करने का पावर रखते हैं। तो यार आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंटन यूनिवर्स के टॉप 5 पावरफुल कैरेक्टर जो कि बेंटन को भी डिफीट कर सकते हैं। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई नंबर 5 पर आता है इयोन जो कि कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और टाइम ट्रेवल कर सकता है। हम सभी को पता है कि इयोन के पास टाइम पावर्स हैं। हाँ भाई हमने इस लिस्ट में किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को बिल्कुल भी नहीं लिया है, ना ही एलियन एक्स, ना ही स्टारवेड और ना ही गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को। भाई इयोन के पास एक पावरफुल टाइम रेज है जिससे क्लॉकवर्क डायमंड हेड और एलियन एक्स को छोड़कर बेंटन के सभी एलियंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भाई डिफीट नहीं डिस्ट्रॉय ही कर सकता है। भाई हमने एक एपिसोड में देखा है कि इयोन ने अपनी पावरफुल टाइम रेज से बेंटन के कुछ एलियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर अल्टीमेट बेंटन 1000 ने उन्हें रीलोड किया था। भाई एलियन एक्स को तो हमने लिया नहीं है क्योंकि अपने बेंटन भैया हर बात के लिए एलियन एक्स का यूज नहीं करते हैं। तो अब बचते हैं क्लॉकवर्क और डायमंड हेड जो कि इयोन को टक्कर दे सकते हैं। भाई देखो एक एपिसोड में क्लॉकवर्क ने इयोन को अपनी टाइमलाइन में वापस भेज दिया था, लेकिन भाई जब इयोन बिलगेट्स की पिटाई करने में बिजी था इसलिए क्लॉकवर्क ने फायदा उठा लिया। वैसे भाई इयोन वर्सेस क्लॉकवर्क की फाइट में इयोन के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि वो पावरफुल है, अपनी टाइम पावर्स का अच्छी तरह से यूज भी कर सकता है वो। तो भाई अब बचता है डायमंड हेड। हम सभी को पता है कि इयोन की टाइम रेस का डायमंड हेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हो सकता है कि डायमंड हेड इयोन को डिफीट कर सके। भाई देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इयोन के पास टाइम पावर्स हैं और वो एक पावरफुल कैरेक्टर भी है, तो हो सकता है कि भाई वो बेंटन को डिफीट कर सके। तो भाई नंबर 4 पर आते हैं अपने मेलगेक्स भैया। हम सभी जानते हैं कि मेलगेक्स कितना पावरफुल है, एटॉमिक्स और डायमंड हेड जैसे पावरफुल एलियन भी इसे डिफीट नहीं कर पाए हैं। भैया मेलगेक्स के पास एन इन स्ट्रेंथ और एन इन ड्यूरेबिलिटी की तो कोई कमी ही नहीं है क्योंकि भाई इसकी स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि एटॉमिक्स और डायमंड हेड की स्ट्रेंथ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। और भाई मेलवेयर के साथ फ्यूजन होने पर तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो जाती है जिससे इस पर कई अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक एपिसोड में तो मेलगेक्स बेंटन को आराम से डिफीट कर ही देता, अगर स्कर्ड भैया नहीं होते तो भाई बेंटन को कोई नहीं बचा सकता था। भाई अपने स्कर्ड भैया ने भी बेंटन के कई एलियंस का पावर यूज किया था इसलिए वो मेलगेक्स को डिफीट कर पाया था। भाई एक एलियंस की पावर से तो वो भी डिफीट नहीं कर पाता मेलगेक्स को। और भाई वैसे भी मेलगेक्स पूरी तरह से डिफीट ही कहा हुआ था, हमने देखा है कि एक्सप्लोजन के बाद मेलगेक्स बच जाता है। मेलगेक्स आराम से स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है। भाई अपने एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को डिफीट भी कर सकता है। एटॉमिक्स जैसा पावरफुल एलियन जिसके पास न्यूक्लियर अटैक्स है वो भी मेलगेक्स का कुछ नहीं बिगड़ पाया था, उसके अटैक में भी मेलगेक्स आराम से सर्वाइव कर गया था। भाई मेलगेक्स ने केवल एटॉमिक्स के अटैक में सर्वाइव नहीं किया था बल्कि उसकी काफी अच्छी तरह से पिटाई भी कर दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बेंटन को भी डिफीट कर सकता है। तो भाई नंबर 3 पर आते हैं एक पावरफुल टाइम ट्रैवलर यानी कि प्रोफेसर पैराडॉक्स जिनकी एज 100,000 ईयर्स है। इनकी एज से पहले इन्हें कोई भी नहीं मार सकता है और वैसे भी ये इमोर्टल है इसलिए इन्हें मारना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर पैराडॉक्स क्रोनोपैथी कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कॉम्बैक्ट में भी ठीक ठाक है और भाई कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इनके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी और एनहेंस इंटेलिजेंसी है। प्रोफेसर पैराडॉक्स को टाइम और स्पेस की काफी अच्छी नॉलेज है। भाई इनसे ज्यादा तो बेंटन यूनिवर्स में टाइम और स्पेस को कोई भी नहीं जानता होगा। भाई आराम से फ्लाई कर सकती है और भाई इनके पास ऐसी पावर एंड एबिलिटीज है जिससे फोर्ज ऑफ क्रिएशन भी जा सकते हैं। पैराडॉक्स की हेल्प से ही बेंटन को उसका ओमनीट्रिक्स मिला था और भाई उन्होंने बेंटन यूनिवर्स को कई बार बचाया है। इन्होंने बेंटन की टीम की कई बार हेल्प की है और भाई एक बार तो इन्होंने बेंटन को एलियन एक्स से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को उनकी एज से पहले कोई भी नहीं मार सकता है इसलिए भाई ये बेंटन को डिफीट कर सकते हैं। तो भाई नंबर 2 पर आते हैं अल्टीमेट केविन। इनके पास एन एंड स्ट्रेंथ, एन एंड ड्यूरेबिलिटी, एन एंड एजिलिटी, एन एंड स्पीड, एन एंड जंपिंग, एन एंड इंटेलिजेंसी और एन एंड सेंसेस है। मुझे नहीं पता था इतने गुस्से वाले एलियन के पास एन एंड इंटेलिजेंसी भी है। चलिए छोड़िए यार, ये अपने आर्म को इंक्रीज कर सकता है और भाई अपने इस फॉर्म में तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। आपको अगर अल्टीमेट केविन को नहीं लेना है तो आप ओमनीवर्स सीरीज केविन म्यूटेशन को भी ले सकते हैं, वो भी तो बहुत पावरफुल है। और भाई वैसे भी ओमनीवर्स सीरीज वाला अल्टीमेट केविन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास ग्रेविटेक जैसे और फीडबैक जैसे पावरफुल एलियंस की पावर है। ये काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है, इसके पास आइस ब्रीथ, फायर ब्रीथ और लिक्विफिकेशन भी है। भाई इसके पास गूप की एबिलिटी है इसलिए लिक्विफिकेशन तो होना ही है। इसके पास पावरफुल आर्मोर ड्रिलो के जैक हैमर आर्म्स हैं। आप सोच सकते हैं कि ये एक ही पंच में किसी को भी ढेर कर सकता है। ये पावरफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, सोम फायर की तरह सीड जनरेट कर सकता है और भाई फायरबॉल को भी जनरेट कर सकता है।
सकता है। इसके पास क्रिस्टल प्रोजेक्टाइल्स, न्यूरोशॉक ब्लास्ट, पावर एब्सॉर्प्शन जैसी एबिलिटीज भी हैं। इसके अलावा इसके पास अर्थ इरप्शन, इलेक्ट्रिकल एब्सॉर्प्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्लास्ट जैसी एबिलिटीज भी हैं। ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकता है, बिक्चल की तरह इंटेजिबल होकर किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार आसानी से जा सकता है और अल्ट्रावायलेट बीम्स को फायर कर सकता है। ये एक पावरफुल साउंड ब्लास्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड को भी क्रिएट कर सकता है और मैना को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके पास गूप की एबिलिटी भी है जिससे ये कई अटैक्स में आराम से सर्वाइव भी कर सकता है। अब भाई देखो, अल्टीमेट ट्रिक से इसे डिफीट किया जा सकता है अल्टीमेट एको एको या फिर अल्टीमेट वेवेग में ट्रांसफॉर्म होकर, लेकिन भाई हमने देखा है कि अल्टीमेट ट्रिक्स तो खराब हो गया, अब बचता है ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स जो कि इसे डिफीट नहीं कर सकता है। भाई हमने इस लिस्ट में एलियन एक्स को नहीं लिया है तो क्या हुआ? भाई ओमनीवर्स सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स में भी कई पावरफुल एलियंस हैं जो कि केविन को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन भाई अल्टीमेट केविन या फिर ओमनीवर्स सीरीज वाले केविन म्यूटेशन को डिफीट करना इतना आसान नहीं है, बल्कि ये बेंटेन को भी डिफीट कर सकता है। तो भाई फाइनली नंबर वन पर आते हैं मेलट्रुएंट भैया। इनके पास एनएन स्ट्रेंथ और एनएन ड्यूरेबिलिटी है, भाई स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, टाइम रेस को शूट कर सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और भाई इसके अलावा अपने मेलट्रुएंट भैया टाइम पोर्टल को क्रिएट कर सकते हैं, टाइम शॉक वेव्स को जनरेट कर सकते हैं और भाई टाइम को स्टॉप कर सकते हैं। अपने मेलट्रुएंट भैया अपने डुप्लीकेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, डायमेंशनल जंपिंग कर सकते हैं और भाई अपनी हेड की को रोटेट भी कर सकते हैं, भाई स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। भाई इन्होंने एटॉमिक एक्स जैसे पावरफुल एलियन को भी डिफीट किया है, तो भाई क्लॉकवर्क तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और भाई मैं आपको रियली में बताऊं तो अभी तक हमें जितने भी एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया है उनमें एलियन एक्स के अलावा ऐसा कोई भी एलियन नहीं है जो कि मेलट्रुएंट को डिफीट कर सके। भाई आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि अपने फीडबैक भैया ना तो इसे डिफीट किया है, तो देखो भाई उस टाइम पर मेलट्रुएंट अपनी टाइम पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, वरना फीडबैक भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो यार आपको आज का ये ऑसम वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।